अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफी भट्ट और शाफी एंड टेक की एक और नई वीडियो में आप लोगों को वेलकम करता हूं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग वावे ऑनर प्ले और वावे ऑनर 6X का स्पीड टेस्ट करेंगे। दोनों फोन सेम कंपनी से हैं और उनका जो सब ब्रांड है वो भी सेम है, दोनों ऑनर की तरह से हैं। लेकिन ऑनर 6X जो है ये 2 साल पुराना फोन है, इसे फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, और जो ऑनर प्ले है वो अभी इतना ज्यादा पुराना नहीं है, अभी उसे कुछ महीने हुए हैं लॉन्च हुए हुए पाकिस्तान में। तो दोनों का स्पीड टेस्ट करके इन दोनों की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा लेते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे हुआवे का ऑनर प्ले है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे हुआवे का ऑनर 6X है। ऑनर प्ले रिसेंटली आया और ऑनर 6X जो है वो थोड़ा सा पुराना फ़ोन है, 2 साल पुराना एक्चुअली। दोनों की बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं है और दोनों जो है वो सेम वाईफाई पे चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों को हम रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन पहले रीस्टार्ट होता है। हियर वी गो। स्पेसिफिकेशंस के आप लोगों को बता देता हूँ साथ साथ। ऑनर प्ले में एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है हुआवे का केरिन 970, जो कि हुआवे P20 प्रो में आ रहा है, और मेरे ख्याल है मेड टेन प्रो में भी शायद वही था। तो यानी बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है इसमें, और इसमें जो है वो मिड रेंज केरिन 655 2 साल पुराना है वो प्रोसेसर है। रैम जो है इसमें 4GB रैम है, 6GB रैम वेरियंट में भी आता है, और इसमें जो है लेफ्ट साइड पर ऑनर 6X उसमें 3GB रैम है। और ये जो है वो ऑनर प्ले पहले रीस्टार्ट हो गया आप लोगों के सामने, ऑनर 6X जो है वो अभी भी हो रहा है। लेट्स सी कितना और टाइम ले लेता है। ओके, काफ़ी टाइम ले रहा है, ये हो गया फाइनली, ठीक है जी। तो दोनों फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट हो गए हैं, हम अपने स्पीड टेस्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स खोल लेते हैं दोनों फ़ोन में। हियर वी गो। यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये फ़ोन फास्ट था ऑनर प्ले, और इसमें आप लोगों को बता दूं कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन ओरियो चल रही है, ठीक है, जबकि जो ऑनर 6X है इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो एंड्रॉयड नूगट है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट में, कैमरा चेक कर लेते हैं पहले, देखते हैं कैमरा किसका फास्ट होता है। ऑनर प्ले डेफिनेटली इधर तेज़ था, ऑनर 6X ने जबकि थोड़ा सा टाइम ले लिया। कैलकुलेटर है हमारे पास दोनों फ़ोन में, यहाँ पे कैलकुलेटर चेक कर लेते हैं। हियर वी गो। ऑनर प्ले काफ़ी ज़्यादा स्नैपी है, मज़ा आता है ऑनर प्ले यूज़ करके। फ़ोन डायलर है हमारे पास, ऑनर प्ले अगेन फास्ट था इधर। अच्छा, फ़ोन डायलर के बाद हम फेसबुक पे आ जाते हैं, इधर डायरेक्टली सोशल मीडिया ऐप्स हैं हमारे पास फेसबुक। यहाँ पे ऑनर प्ले, यार बहुत मज़ा आता है ऑनर प्ले यूज़ करके, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसमें फ्लैगशिप का प्रोसेसर लगा हुआ है इसलिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इंस्टाग्राम अगेन ऑनर प्ले तेज़ था। माय प्रोफाइल इधर देखते हैं कौन पहले लगाता है, ऑनर प्ले ही इधर भी फास्ट है, सो डैट्स नाइस। इसके बाद हम लोग यूट्यूब चेक कर लेते हैं दोनों फ़ोन में है हमारे पास। हियर वी गो। और इधर देखते हैं, इधर जी ड्रॉ ही है ये तो, हाँ ऑनर 6X ने पहले ये लोड कर दिया, उसने थोड़ा सा टाइम ले लिया उधर। यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टोर है दोनों फ़ोन में, तो ये चेक कर लेते हैं प्ले स्टोर कौन लगाता है पहले। ऑनर प्ले ने प्ले स्टोर पहले लगाया, क्या बात है। उसके अलावा हमारे पास गूगल क्रोम है दोनों फ़ोन, ये रहा जी क्रोम। आओ जी, ऑनर प्ले डेफिनेटली फास्ट है इधर भी। इसके अलावा हमारे पास वेदर की एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारे पास वेदर, ये चेक करते हैं जी। ऑनर प्ले स्लाइटली फास्ट था, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में। उसके बाद हमारे पास सबवे सर्फर गेम है, ये चेक करते हैं इसमें फ्लैगशिप। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता लगना चाहिए, ये देखें इसने आधी लोड कर भी ली, उसने अभी स्टार्ट भी नहीं की, इसने पूरी लोड कर दी है। तो ये डिफरेंस जो हैवी थोड़ी सी एप्लीकेशन होती है ना, उनमें आपको प्रोसेसर का फ़र्क पता लगता है, बाकी जो हल्की फुल्की एप्लीकेशन होती है उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया उसके मुकाबले में, लेकिन फ़ोन डायलर सेटिंग्स यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ये ऐप्स लोड करने में इतना टाइम जो है वो नहीं लगता होता। शेयर इट, ये शेयर इट। ऑनर प्ले तो यार बहुत फास्ट था ऑनर प्ले, मैं इस ऑनर प्ले को विन दूंगा। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन हो गई, तो रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स में। सेटिंग्स आपके सामने है दोनों फ़ोन्स में। कैलकुलेटर ये भी है,
यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फेसबुक, फेसबुक भी है। उसके अलावा फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम, ये भी है, इंस्टाग्राम भी है जी। उसके बाद हम यूट्यूब चेक कर लेते हैं, यूट्यूब भी है। उसके बाद प्ले स्टोर, प्ले स्टोर भी है दोनों की मेमोरी में, विच इज़ गुड। गूगल क्रोम ये भी है जी। वेदर के बाद डायरेक्टली सबवे सर्फर पे जाते हैं तो दोनों की रैम मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, मज़ा आ जाता है। डैट वॉज अ स्पीड टेस्ट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। काफ़ी सारे स्पीड टेस्ट बनाए मैंने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सारी वीडियोज़ देखने के लिए, इन्जॉय करेंगे जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्पीड टेस्ट पसंद आया होगा और ये स्पीड टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों को दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस का आइडिया हो गया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। जो वीडियोज हैं डिफरेंट वो आती रहती हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, चैनल है ये वीडियो से भरा हुआ, ठीक है। इस पे काफ़ी सारी वीडियोज हैं जो कि स्मार्टफोन से रिलेटेड होती हैं, ज़्यादातर कुछ स्मार्टफोन्स के अलावा भी होती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।